अकेला क्यों घूमना चाहिए आपको, मैं उसका रीजन देता हूँ जो आपने जिंदगी में भी नहीं देखा, मैं वो दिखाने वाला हूँ आपको। किंगे टाइप्स ऑफ स्नेक्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम निखिल पाटिल और आज न्यू व्लॉग है और आज मैं आया हूँ बोंडला जू जो कि गोवा में है। आज 28 तारीख है, बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या है बोंडला जू में, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक, देखते रहिए व्लॉग। ये है यहाँ पर, सॉरी माफ करना, मुझे इसका इंग्लिश में नाम नहीं आता, इसीलिए हमारे इसमें मराठी में बोलते हैं शालीन्द्र। क्या बोलते हैं? शालीन्द्र बोलते हैं मराठी में। सो देखेंगे और क्या क्या है। जंगली कैट इधर नहीं दिख रहा। सी हियर जंगली कैट, ये देखो जंगली कैट। ओए, तक तो इतना ही देखा है, आगे आगे देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। वैसे मैंने पहले ही बोला, अरे लेपर्ड है यहाँ पर और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बियर और ये देखो सोया हुआ है यहाँ पर। जंगली कैट दिख रहा है, सोया हुआ है, सोने दो, डिस्टर्ब नहीं करने का। और उधर ये भी बोर्ड भी लगाया हुआ कि एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब हम जा रहे हैं भालू की तरफ, बियर देखेंगे रियल में। हाँ, जंगल में देखा है बहुत बार, हमारे यहाँ आते रहते हैं, अभी यहाँ देखेंगे कैसा है। अरे भालू ही नहीं है तो किधर नहीं दिख रहा, वो साइड से जाके देखते हैं। चलो वो देखो भालू उधर है, बहुत दूर है, उधर आगे से जाते देखते तो अच्छा होता है। देखो इधर है, मेरा मोबाइल का कैमरा उतना अच्छा नहीं है इसीलिए आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा। अभी लेपर्ड इधर नहीं, असली वाला। देखो गाइस पानी पी रहे हो। हाँ एक मिनट, हाँ ज़ूम कर देता हूँ आपको। इसका फोटो अच्छे से नहीं आएगा, मैं फोटो, एक मिनट मैं इसका फोटो लेता हूँ। रियल में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, अभी नहीं देखा। चलो आगे देखते हैं। गाइज लाइफ में पहली बार देखा था लेपर्ड को, अच्छा फील हुआ, लेकिन वो थोड़ा आगे आता था तो अच्छा होता था, मैं उसको देख पाता था। लेकिन मुझे जल्दी से जाना भी है और ये सभी कवर करना है, कितना बड़ा है मुझे मालूम नहीं है। जो अच्छा है देखता हूँ आगे क्या क्या है, दिखाता हूँ आपको। हाँ अकेला हूँ, मज़ा भी आ रहा है, वन मैन आर्मी। मैं पिछली बार गया था अभी दूध सागर को, वो व्लॉग मैंने थोड़े अच्छे से नहीं बनाया था, बहुत थका हुआ था। मेरे पीछे क्या दिख रहा है आपको, जंगली जानवर नहीं, जो जंगली बफेलो बोलते हैं ना, वो है यहाँ पर। वो देखो बहुत सारे इधर अभी घास खा रहे हैं, सभी लोग बिजी है, बिजी लोग, बिजी पर्सन्स, सभी बिजी पर्सन्स है, कोई नहीं देख रहा मेरी तरफ। ये भी बिजी है, और एक बात के लिए सॉरी गाइज,
क्योंकि मैं अभी डर डर के वो व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पब्लिक स्पीकिंग में बोलना अभी उतना मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है जिसके मैं ऐसे फ्रीली पब्लिक स्पीकिंग कर सकूँ। तो आगे भी कॉन्फिडेंस आएगा। देखो सभी बिजी है, आओ अभी एक बार। इधर का 50 रुपये का टिकट है, इधर से आप उस गांव से आ सकते हो। टोटल उस गांव से किधर कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर रहेगा। किंग कोबरा रियल में कैसा रहता है आपने देखा होगा मूवीज में, वीडियोस में, अभी भी वीडियोस में ही देखोगे। ये है अभी टाइप्स ऑफ स्नैक्स, देखेंगे कौन से टाइप के स्नैक्स है। मेरे बाल थोड़े ख़राब हो गए क्योंकि मैं हेलमेट डाल के आया था ना, अभी नहा के आया, हेलमेट डाल के आया, सभी बाल ख़राब हो गए। देखेंगे टाइप्स ऑफ स्नैक्स। अब हम देखेंगे एक क्रोकोडाइल, पहली बार देख रहा हूँ रियल में। ये छोटा वाला है, मैंने सोचा इतना बड़ा है। देखो मेरे पीछे दिख रहा है, पानी में है, नहीं दिख रहा मुझे भी नहीं दिख रहा, वो पानी में है, आराम से रेस्ट कर रहा है। उधर देखेंगे, उधर बड़े क्रोकोडाइल है, ये भी सोया हुआ है, स्लीपी मूड, सभी स्लीपी मूड में है। और दिस इज पैरोट्स। बात बताना चाहूँगा, अकेले में घूमने का भी मज़ा ही कुछ और है। मैं अकेला क्यों घूमना चाहिए आपको, मैं उसका रीज़न देता हूँ क्यों। जब आप अकेले घूमते हो ना, आप खुद को फाइंड करते हो, मीन्स खुद के लिए थोड़ा समय मिलता है, घूम के देखो अच्छा लगता है। अकेला ऐसे अकेले ही चलते जा रहे, कितना अच्छा फील होता है ना, मस्त फील होता है। आप भी अकेले घूमो, हाँ ग्रुप में घूमे तो उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन खुद को फाइंड करने में, खुद को समझने में। मैंने क्या देखा अभी, हाँ डर गया मैं, सर गई। ये देखो क्या है, दिख रहा है आपको, कैसे लेट बैठा है। मैं अकेला घूमता हूँ ना, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसीलिए मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ, अकेला घूमता हूँ, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, मीन्स फुलफिलमेंट एक बोलते हैं ना, वो मिलता है। आप देखो ट्राई करके, अकेले में घूमो और मुझे कमेंट करना कैसा फील होता है। ऐसे ही घूमो, मस्त मजा करो, वन लाइफ बेबी। तो गाइज अब देखने वाले हम जो आपने जिंदगी में भी नहीं देखा, मैं वो दिखाने वाला हूँ आपको। ऐसा जानवर है, लेकिन आप उसे देखकर हंसना मत, बहुत ही तगड़ा जानवर है। देखना चाहोगे आप उस जानवर को, दिख रहे मेरे पीछे, देखो कैसा जानवर है। इस जानवर को अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा ना? बता देना कमेंट सेक्शन में, बता देना कैसा था जानवर। अभी बहुत घूमा, अभी थक चुका हूँ, तो अभी व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और जाते जाते एक ही बात कहूँगा, डाई विद मेमोरीज नॉट विद द ड्रीम्स, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर, और ऐसे ही मैं आपके लिए मज़ेदार व्लॉग्स लाता रहूँगा, ऐसे ही एडवेंचर व्लॉग्स लाता रहूँगा। तो प्लीज़ कीप सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
बूम।